बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना तूल पकड़े हुए है उससे ज्यादा कहीं देश के अंदर। इस विवाद में अब भीमसेना भी कूद पड़ी है। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल मलिक ने नुपुर शर्मा की जीप काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। भीमसेना ने कानपुर हिंसा का नुपुर शर्मा को मास्टरमाइंड भी बताया है। भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने आरोप लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा ने इस्लाम के नबी का अपमान किया है, जिससे दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जानबूझकर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। तंवर ने योगी सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि कानपुर दंगे की असली मास्टरमाइंड नुपुर शर्मा है, तो ऐसे में योगी सरकार और उनकी पुलिस ने उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया है। सतपाल तंवर ने कहा कि नुपुर शर्मा जैसी नेता को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे तुरंत जेल भेजना चाहिए या देश निकाला दे दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नुपुर शर्मा द्वारा की गई इस आपत्तिजनक टिप्पणी से भारत पूरे देश दुनिया में बदनाम हो गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चौतरफा दबाव के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।